सौ दिन के अवसर पर, जैसे कल रविदास जयंती है, वो तो सबको उसकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। और हमारी सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक वादा और पूरा हुआ, जिसके अंदर 5 एकड़ जमीन संत रविदास मंदिर के लिए कुरुक्षेत्र जिले की पावन धरा पर दी जाएगी, जिसमें ऐतिहासिक रविदास मंदिर की स्थापना करी जाएगी। ये अपने आप में एक निर्णायक फैसला है और संत रविदास जी के तमाम पुजारियों के इस सरकार की ओर रविदास जयंती को तोहफा है। साथ में कई साथियों के मन में एक सवाल बारी बारी है कि 75% रिजर्वेशन अधिनियम है वो कब आएगा। कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, बिल ड्राफ्टिंग पूरी हो चुकी है, LR के रिव्यू के लिए बिल को भेज दिया गया और हमारा प्रयास है पहले सप्ताह के अंदर विधानसभा में उस बिल को हम बड़ी ऊपर काम करेंगे, जैसे ही LR का रिव्यू आएगा। और उसके अंदर 50,000 रुपये महीना तनख्वाह से नीचे जितनी भी नौकरियां हैं उन तमाम रोजगारों को हरियाणा वासियों को हम अधिकार देने का काम करेंगे, उनके रोजगार को हम सुनिश्चित। इस बिल को ड्राफ्ट ऐसे किया आज के बाद जितनी भी एड हॉक बेसिस की नौकरी है, चाहे वो ठेकेदार के माध्यम से, उसके अंदर अगले 6 महीनों में परिवर्तन करा जाए। जो परमानेंट जॉब्स हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट साइन हैं, क्योंकि लीगलिटी बहुत ज़्यादा है, उनको हम नहीं चेंज कर सकते, पर आने वाले समय में अगर किसी भी फैक्ट्री में 4 रोजगार लगेंगे, ये मैंडेटरी होगा कि उसके अंदर 3 रोजगारों को ट्रेन कर हरियाणा प्रदेश के बोले। साथ में कई ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर हरियाणा के व्यक्तियों को रोजगार हम नहीं उपलब्ध करवा सकते, जैसे भट्टे के अंदर काम करने वाले लोग, इसके अंदर अधिकतम जो लेबर है वो दूसरे प्रदेशों से आती है और भट्टा मालिकों से भी कई बार इसके ऊपर चर्चा। तो इसके अंदर लेबर कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि वो इसमें रिलैक्सेशन देगा। ऐसा कोई व्यवसाय है जहाँ पर हरियाणा का स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर काम नहीं करता, उसके अंदर एग्जेम्पशन देने की व्यवस्था बना सकते हैं। और एक बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे आपकी दुकानें, जैसे आपकी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, इसके अंदर तो आज हमारे पास जब हमारे बड़े बड़े होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्हीं स्किल्ड बच्चों को जो इन इंस्टीट्यूट में पढ़कर आए उनको रोजगार का अधिकार। कई पुलिस संबंधी मामले थे, गया विभाग अनिल विज जी के पास, तो समस्या कोई मेरे विभाग की होगी मेरे पास ले आएगी, उनके विभाग की होगी उनके पास ले आएगी। अगर थाने चौकियों के अंदर गड़बड़े काउंटर FIR होती हैं तो उनकी जिम्मेवारी है एज मंत्री, वो उसको सॉल्व करो। आप 17 तारीख से विधानसभा की शुरुआत होने पर आपको पहली बार दिखेगा कि बजट के ऊपर भी डिस्कशन करी जाएगी। कई ऐसी पॉलिसीज़ है जो पिछले 2 दशकों में बनी, जिनके अंदर किसी हेड में 50 लाख, किसी में 25 लाख रुपए डाल दिए, कार्य एक नहीं हुआ, लैप्स हो जाते हैं। हमने तो विधायकों से आग्रह किया है कि प्रदेश के हर डिपार्टमेंट की जितनी पॉलिसी है स्टडी करो, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस पॉलिसी में एडिशनल फंड की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड करो, अगर लगता है कि किसी पॉलिसी को बंद करना चाहिए और एक कंपेरेटिव तौर पर 4 पॉलिसी को एक पॉलिसी के तौर पर डेवलप करना चाहिए, किसान के ऊपर इक्विपमेंट्स पे इम्प्लीमेंट्स पे उसकी सब्सिडी की बात, सरकार डिस्कशन के लिए तैयार है। और इतिहास में पहली बार होगा इस देश में जहाँ पर प्रदेश बजट से पहले प्री बजटरी डिस्कशन एक सेमिनार के तौर पर हमारी सरकार करेगी।